अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ खैरियत सी होंगी। रणवीर राजा साहब की हुई छुट्टी, तो बोर्ड की तरफ से नजम सेठी आए हैं। तो नजम सेठी ने आते हैं कुछ तब्दीलियाँ की हैं, बहरहाल एक्सपीरियंस था रणवीर राजा का। लेकिन जिस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल पे वो कहते रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए, तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए, यूट्यूब अपने चैनल पर कहते रहे हैं, लेकिन जब बारी आई उनकी ऑन फील्ड काम करने की तो इतने अग्रेसिव नहीं रहे। बहरहाल उनको टाइम दिया गया, शुभाष हुकूमत ने भी 8 माह का टाइम दिया, लेकिन कोई इतना खास नहीं। पाकिस्तान दो सीरीज हार गया अपने होम ग्राउंड पे। तो नजम सेठी ने आते हुए चीफ सेलेक्टर बनाया शाहिद खान अफरीदी साहब को, तो अब्दुल रजाक भी उनकी कमेटी में शामिल है, रऊफ इफ्तिखार है, सना अमीन है, इंजमाम है, तो हारून रशीद साहब हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब ठीक है, तेज खेलने के, अगर शाहिद अफरीदी किसी टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे तो इस तरह के सिलेक्ट करेंगे, वो तेज खेलते हों पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये भी समा पे जो मुस्लिम चैनल पे आते हैं शाहिद अफरीदी साहब, ये कहते थे कि कोचिंग की जरूरत नहीं होती पाकिस्तान जब खेलता है, कोचिंग की जरूरत नहीं होती। तो मैं जब भी कोचिंग करूंगा जहां मैं गाइड करूंगा तो अंडर 19 की टीम होती है उनको गाइड करूंगा, वहां जाकर कोचिंग करूंगा। तो बहरहाल ये भी अपने बयान से फिर गए हैं। और शहबाज शरीफ से वफादारी का इनको एक कह सकते हैं आप फल मिला है कि उनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया। अभी अपने अमल से साबित कर दें, झूठा कर दें, इस तरह के इनको चांस देना चाहिए। मीर हमजा को उन्होंने आते ही चांस दिया है। बहरहाल उमर अकमल को चांस देना चाहिए, अहमद शहजाद को चांस देना चाहिए। चीफ सेलेक्टर बन गए, अपने अमल से जरिए आप साबित करें कि वो अच्छे चीफ सेलेक्टर हैं।